अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं pkadmissions.com और आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि नस्ट में जो दाखले शुरू हो चुके हैं, तकरीबन शुरू हो चुके हैं, NET के आप टेस्ट वगैरह प्रिपरेशन करें अपनी उसकी, और दाखले मतलब शुरू हो चुके हैं नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर NET 1 के। तो अभी तो शुरू नहीं हुए लेकिन बिल्कुल पास ही उनकी डेट है। ये हमारे पास उनका पेज है जहाँ पे वो अपडेट्स देती हैं कि दाखले वगैरह NET 1, NET 2 और थर्ड टेस्ट इनका कब होगा। तो ये उन्होंने एक्सपेक्टेड डेट बताई है, ये वाली तो क्लियर है कि 28 अक्टूबर से लेके 3 दिसंबर तक ये जो सी है NET 1, NET मतलब कहती हैं सीरीज 1 मतलब NET 1। तो सेकंड जो डेट बताई है वो ये है कि फरवरी को किसी डेट को शुरू होगा और मार्च तक जाएगा, और तीसरा अप्रैल से जून तक जाएगा। आप किसी भी टेस्ट को दे सकते हैं, मतलब तीनों में से कोई एक टेस्ट भी दे सकते हैं और उसकी बना पे आपका एडमिशन हो जाएगा नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आपने अप्लाई किस तरह करना है, यह सारा चीज़ें आपको, रजिस्ट्रेशन क्लोज्ड है फ़िलहाल क्योंकि 28 अक्टूबर को शुरू होनी है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आप साइन अप करेंगे। बाकी बात की चीज़ें हैं कि आप फीस वगैरह पे करेंगे बैंक के अंदर जाके, और सारा ऑनलाइन प्रोसीजर है इनका। तो फ़िलहाल जो 28 अक्टूबर को इनके दाखिले शुरू हो चुके हैं, और अगर आपने इनकी मेरिट लिस्ट देखनी है, प्रीवियस मेरिट लिस्ट देखनी है या मेरिट कैलकुलेटर देखनी है, वो भी आपको इसी वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा pkadmissions.com पे। ये मेरिट लिस्ट का एक छोटा सा टूल है हमारे पास pkadmissions वेबसाइट पर ही है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं जाके। तो ये हमारे पास टूल, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना नस्ट यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट देखनी है, तो यहाँ पे क्लिक करना है और सर्च पे क्लिक कर देना है, और साथ ही थोड़ा सा पेज स्क्रॉल डाउन होगा और नीचे आपको शो हो जाएगा नस्ट की क्लोजिंग मेरिट लिस्ट प्रीवियस जो सी है। तो यहाँ पे फिलहाल हमारे पास बिल्कुल थोड़ी सी यूनिवर्सिटीज़ को हम क्लोजिंग मेरिट लिस्ट अपलोड की हैं, तो बाकी भी हम इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर देंगे। मतलब यहाँ पर 2018 की क्लोजिंग मेरिट लिस्ट है, पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं, 2019 की जब आएगी मतलब हमारे पास अवेलेबल होगी तो हम यहाँ पे इसको अपलोड कर देंगे, यहाँ पे आप उसको देख भी सकते हैं। तो शो मेरिट लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये मेरिट लिस्ट भी शो हो जाएगी, यहाँ पर ये देख लें मतलब कहाँ पर उसका क्लोज हुआ था मेरिट। तो अगर आपने मेरिट कैलकुलेटर को आपने देखना है नस्ट के, तो वो भी आपको दिखा सकती है, वो भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आपको pkadmissions.com पे मेरिट कैलकुलेटर मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। आपने सिंपली क्या करना है, आपने नस्ट मेरिट कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको हर चीज़ एडमिशन के मतलब भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर पैटर्न वगैरह आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। क्राइटेरिया गिवन है आपको, किस क्राइटेरिया के बिना पे ये वाला कैलकुलेटर वर्क करता है, ये वाला भी आपको गिवन है और कैलकुलेटर भी गिवन है। ए लेवल के लिए अलग है क्योंकि उनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और FSA के लिए अलग है, और पेपर की वेटेज जो सी है NET में वो ये है कि 200 नंबरों का टेस्ट होता है और 3 घंटे होते हैं, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पे आपको गिवन है। आप यहाँ पे आप वेबसाइट पे आके इसको रीड कर सकते हैं, और प्रोसीजर क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यहाँ पे, जब उनकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगी तो यहाँ पर ये वाले सारे प्रोसीजर आपने फॉलो करने हैं, तो आप जाके एलिजिबल हो जाएंगे टेस्ट देने के। बिल्कुल इसी तरह आप दूसरी यूनिवर्सिटी की क्लोजिंग मेरिट लिस्ट भी देख सकते हैं और दूसरे कैलकुलेटर भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।